डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कोको में विकास यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भीड़ बढ़ाने के लिए प्राथमिक शाला के स्कूली बच्चों को बुलाया गया। परीक्षा के नज़दीक होने के बावजूद बच्चे स्कूल में बस्ता छोड़कर विकास यात्रा में चले गए। इस मामले पर जब वहाँ के शिक्षक से पूछा गया तो जवाब से बचते हुए कुर्सी छोड़ भाग खड़े हो गए। वहीं स्कूली बच्चों को परीक्षा के नज़दीक बुलाए जाने की बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी की और अमरपुर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ने निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। प्रदेश में और जहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा होती तो ये क्या है, बच्चों को बुलाते हैं तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी नगर परिषद का भी कार्यक्रम जो विकास यात्रा हुआ था शांति नगर में, उसमें भी हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से उसमें सूचना आई कि बच्चों को बैठा कर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो इनके पास अगर प्रशासन ना होती तो वो भी भीड़ नहीं होती। इनके पास कोई भीड़ नहीं है, कोई विकास नहीं है और गाँव में जल संकट इतने गहराया हुआ है कि विकास तो कहीं है ही। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसका विरोध करती है और मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास यात्रा से जनता का मोह भंग हो गया है, इस सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है और भीड़ बढ़ाने के लिए जब जनता नहीं आ रही है तो स्कूली छात्रों को उपयोग किया जा रहा है जो इस प्रकार का नहीं, वो तो सम्मानित करने के लिए है। हाँ, अपडेट कर दो, निकल रहे हैं यहाँ जो मेरिट वाले जो छात्र हैं, है ना, उनको यानी सम्मानित किया जा रहा है पहले के माध्यम से। पहले से लेके पांचवीं तक के छात्राओं को वहाँ पे जो बैठाला गया है सर। हाँ।